एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेवीते बंधु दृष्टारं पश्यशीतरम्। अष्टावक्र गीता अध्याय एक श्लोक सातवां। संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो इस दुनिया का है उसका एकमात्र दृष्टा तुम स्वयं हो और तुम सदा सर्वदा मुक्त ही हो, लेकिन तुम्हारा बंधन सिर्फ यही है कि तुम दृष्टा को स्वयं से पृथक समझते हो। दृष्टा कौन? जो सब चीज़ों को होते हुए देख रहा है, यानी हम हमेशा से ही मुक्त ही हैं, हमें मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं मनुष्य रूप में और ईश्वर रूप में दोनों ही स्थितियों में हम समान हैं। ये जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे हम केवल देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम केवल उसे देख रहे हैं। और एक प्रश्न कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता, ऐसा हमें बार बार हमने सुना भी है और देखा भी है, लेकिन जो करने वाले हैं वह भी हम हैं और जो इन सब कुछ जो हो रहा है उसको देख रहे हैं वह भी हम हैं। आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों में कोई भेद है ही नहीं, केवल जान लेने का विषय है। अगर हम जान लें कि जो दृष्टा है वो मैं ही हूँ, एक संस्कृत का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी कि जो कुछ जो कोई कुछ कर रहा है या जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण मूल तत्व मैं ही हूँ। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और वो उसकी इच्छा से ही कर्म करता है, लेकिन जब वो सांसारिक भ्रम में पड़ता है तो उसे अपनी इच्छा और ईश्वर की इच्छा में भेद दिखाई देता है। धन्यवाद।